HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। ईडी के बाद अब CBI ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चर्चित तारा सहदेव की यौन उत्पीड़न मामले में CBI कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी रंजीत कोहली की ओर से बतौर गवाह पेश होने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को CBI की विशेष अदालत ने सम्मन भेजा है। एक पुराने मामले में CBI ने उन्हें सम्मन जारी किया है। पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन है। रंजीत ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराई थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह के तौर पर शामिल किया गया था। मुख्य आरोपी रंजीत कोहली की ओर से अदालत को सौंपी गई सूची को CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में मंजूर भी कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह के रूप में सम्मन भी जारी किया गया है। अभियोजन की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद अदालत की ओर से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को सूची देने का आदेश दिया गया था। एक बार हेमंत सोरेन रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर एक समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि वे उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर इस समारोह में शामिल हुए थे। आरोपी रंजीत ने इसी मुलाकात से उनसे परिचय का हवाला दिया है और अपने गवाह के तौर पर सूची में नाम शामिल करवाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गवाह के तौर पर गवाही के लिए पेश होते हैं या नहीं, इस पर कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वे पेश होते हैं तो उनका बयान किसके पक्ष में होने वाला है, इस पर भी संशय बरकरार है। रंजीत कोहली और तारा सहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। कुछ ही दिनों बाद यह मामला पूरी तरह से धर्मांतरण कराने और दहेज उत्पीड़न संबंधी मामला हाईलाइट हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद रंजीत कोहली की सच्चाई सामने निकल कर आई थी। उसमें तारा सहदेव ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के समय उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिसे तारा रंजीत समझ रही है वह रकीबुल हसन है, यानी धर्मांतरण का मामला, यानी लव जिहाद का मामला ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। शादी के बाद तारा से दहेज की मांग की जाने लगी और उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रताड़ित किया गया। इन आरोपों के साथ तारा सहदेव ने हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को 2015 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री के तौर पर बने तो CBI ने इसे टेक ओवर कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। 2018 में आरोपियों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया था। मामले में मुख्य आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल के अलावा उसकी मां कौशल रानी, हाईकोर्ट के बर्खास्त विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले में आरोपी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाए जाने के बाद यह मामला दोबारा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। ऐसे में आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर किसके पक्ष में अपनी गवाही देते हैं। तारा सहदेव जहां BJP के एक प्रमुख नेता की बहन बताई जाती है, वहीं उसे BJP का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं रकीबुल उर्फ रंजीत को झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पुराने नेता और पूर्व मंत्री का भी बर्दाश्त बताया जाता था। ऐसे में यह सवाल खड़ा है कि आखिर मुख्यमंत्री किसके पक्ष में गवाही देंगे, रकीबुल के पक्ष में वो जाते हैं या तारा सहदेव के। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी। बनते हैं अनमिट निशान, देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।